नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले उमा देवी यादव के नेतृत्व में आज इको गार्डन पार्क लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास तक एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में है भिक्षाटन हेतु कटोरों को लेकर तिरंगा पद यात्रा करते हुए 4 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय को उनके आश्वासन का एहसास कराया गया कि आज शिक्षा मित्र विवश है कटोरा उठाने पर। लखनऊ से सत्यप्रकाश शर्मा की एक रिपोर्ट। आइए बात करते हैं पीड़िता पक्ष से। जो चश्मा लगाई हुए हैं वो धूप में चल के आई हैं, इतनी गंभीर धूप में चल के आई हैं, जो लखनऊ की रहने वाली हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है, मुद्दा क्या है और इनकी परेशानियां क्या है कि इतनी संख्या में लोग यहां धरना दिए हुए हैं, अभी तक मांगे नहीं पूरी हो पा रही हैं। क्या सरकार कोई सुनवाई नहीं करेगी इस सरकार में? आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं इस चैनल माध्यम से सभी पीड़ित हैं, लगभग मुझे लगता है कि शायद हमारा गांव सबसे ज्यादा हो। हमारे शरीर में एलर्जी है, सब एलर्जी 90 मतलब सब होनी, सबसे ज्यादा 1000 होती है कम, और मेरे 1033 एक 3.5 होती मिनिमम। लेकिन मुझे अपनी नौकरी से प्यार है और मुझे अपने शरीर से प्यार नहीं है। मैं नौकरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ आ सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। मेरे एलर्जी इतनी है, शरीर में देखिए दाने कितने हैं। मैं नारी हूँ, मैं क्या क्या दिखाऊँ, कहाँ कहाँ मेरे शरीर में, ये देखिए देखिए आप लोग, ये देखिए कितने कितने दाने हैं। पूरे शरीर मेरा बेकार हो चुका है, चलने की तरसते हैं, लेकिन हम यहाँ आके बैठेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, लेटे रहेंगे, नहीं जाएंगे तो हमें कुछ सरकार नहीं दे देगी, क्योंकि हम उनसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो उन्होंने घोषणा की है और जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है। बस हम अपना 17 साल जवानी की मांग रहे हैं, वो हमारे जवानी वापस कर दें, हम अपने घर राजी राजी चले जाएंगे। सीमा जी से जो गोरखपुर से चल के आई हैं, एक छोटे बच्चे को लेके आई हैं, जो इतनी पीड़ित हैं, कैसे चल के आए हैं ये अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएंगी। सीमा जी से आइए बात करते हैं। सीमा जी, क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर की रहने वाली हैं। कब आई हैं आप यहाँ धरने पे? कब से धरना लगा हुआ है? तो ये छोटा बच्चा लेके आई है, मान लीजिए इसको कोई दिक्कत हो, नौकरी चली गई तो बच्चा लेके क्या घर पे रहेंगे? 18 तारीख मान लीजिए बच्चा आपका बीमार हो जाएगा, आप इसको लेके आई हैं तो सरकार देंगे ना, जब मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो अपनी पीड़ा कैसे आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से? हम अपनी नौकरी माना चाहते हैं बस।